गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हल्द्वानी से पंतनगर। हमारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और आज मक्कू का अल्ट्रासाउंड होना है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट कि आज मक्कू का बर्थडे है। मक्कू बेबी आज 7 साल का हो गया एंड सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट आज मक्कू को यही होगा कि ये जो प्रॉब्लम मक्कू को हो रही है इसको हम फटाफट से ठीक करेंगे और मक्कू को फिट कर देंगे। एंड आज अभी अल्ट्रासाउंड होगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या सिचुएशन है, सर्जरी अभी होनी है, कल होनी है, वो सब अभी डॉक्टर से डिस्कस होएगा। एंड बस नर्वस हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ऐसी नर्वसनेस लास्ट मेरे को बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने में ही हुई थी। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तब मेरे को लास्ट ऐसा फील हुआ था कि मेरे हाथ बिल्कुल नम हो रहे हैं, शिवा कर रहे हैं। बट आई एम स्ट्रॉन्ग, मैक्स इज स्ट्रॉन्ग, हम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं और ये जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। बस ये है कि इतना मुश्किल नहीं है कुछ भी, बट वो मेरा अब होता है ना यार, एक मैं उस मेरा बच्चा है वो, तो वो उस एस्पेक्ट में थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो मैं इस टेंशन में हूँ कि इसके बाल ट्रिम करेंगे, वो लोग शेव करेंगे, तो वो शेव करते हुए भी स्क्रैचेस लगते हैं बॉडी में। वो सोच के मेरे को वो लग रहा है, पहले भी मैंने कराया एक दो बारी। अब गवर्नमेंट फैसिलिटी में ट्रिमर से तो आई डोंट एक्सपेक्ट ट्रिमर होगा, बट चलो जो भी है यार, जो भी है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड अब सब कुछ होने के बाद ही मिलता हूँ डायरेक्टली आपको। गाइस हम पहुंच गए हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी एंड बस अब मक्कू के बाद का हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ नर्वसनेस में, बट चलो जो भी है। मैक्स को बस अब ना सुसु के बहाने बस गोल 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 घूम रहा है। करने दे सुसु, करने दे, कर ली। पहुंच गए हम यहाँ पे। खूब सारे कुत्ते आए हुए हैं यहाँ पे, बकरी वकरी भी आई हुई है भाई, मज़ा आएगा देखने में। अच्छा आओ आओ, आपके गाड़ी के नीचे छुपेगा, लम्बे को पकड़ा दे, ला दे राहुल यहाँ दे, फोन लगाओ, चल चल ना, कुछ कर रहे हैं क्या तेरे को? वो बहुत ही डरपोक है यार, ये की लेवल की नॉट है। हम डॉक्टर से मिल लिए, अभी हमें यहाँ वेट करने के लिए बोला है, अभी वो फ्री होंगे देन आके फिर मक्कू का अल्ट्रासाउंड होगा। खाली डर रहा है, बेटा सुई थोड़ा लगी थी पिछली बार भी, डर रहा है बेचारा। मैक्स का एक्सरे हो गया और अभी हम इसको अल्ट्रासाउंड के लिए लेके आए हैं। नीचे से पूरा मैक्स को शेव भी कर दिया है और घबरा गया बच्चा। बस अभी अल्ट्रासाउंड होके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारे सामने। दोस्तों भी डॉक्टर को दिखाया मैक्स को, उसका अल्ट्रासाउंड भी करा एंड मैक्स के पेट में ना बहुत बड़ा एक सिस्ट है और उसकी वजह से भी ऑपरेट भी नहीं कर सकते। और वो जो सिस्ट है अगर वो ठीक नहीं हुआ तो इट कैन टर्न इनटू कैंसर एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू सी द डॉक्टर अगेन। मक्कू के साथ ही बैठा हूँ, चुना सो रहा है। आई डोंट नो हु टू ब्लेम, वॉट टू ब्लेम। आई वॉज मिसगाइडेड सो मैनी टाइम्स विद सो मैनी पीपल। अभी डॉक्टर से मिल के लेट्स टेक द बेस्ट मूव फॉरवर्ड। सो गाइज अभी डॉक्टर से मीटिंग हो गई फाइनल और वही है यार, इसके पेट में बहुत बड़ा सिस्ट है, वो प्रोस्टेटिक सिस्ट। और अभी अगर सर्जरी करेंगे तो काफ़ी रिस्की हो जाएगा बिकॉज बहुत बड़ा है यार, इतना बड़ा साइज़ है उसका। एंड डॉक्टर्स कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग हो सकती है, देन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अभी सर्जरी करना। तो डॉक्टर्स ने भी दवाई दी हमें महीने भर की, वो दवाई देनी है मैक्स को, वो कम होगा फिर जाके इसका सर्जरी होगा दोबारा। एंड प्रॉब्लम ये है उसकी टेस्टिकल से ही राइज हुई है एक तरीके से। 4 साल पहले अगर मुझे, 3 साल पहले अगर मुझे मिसगाइड नहीं किया होता, मैं तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जहाँ मैंने करवाया था अल्ट्रासाउंड, मैं मतलब उनकी रिपोर्ट ही मेरे पास, मैं तो उनकी ऐसी तैसी कर दूँ मेरा बस चले तो फ़ायदा नहीं है यार। ऑलरेडी मैं मक्कू इज़ माई प्रायोरिटी, किसी का करके छोड़ना तो मैं नहीं, बना छोड़ूंगा तो नहीं इनको मैं। टेस्टिकल्स भी आराम से लोकेट हो गए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी अल्ट्रासाउंड में। तो जब पहले मैंने कराया था तो कह रहे थे नहीं इसका टेस्टिकल है ही नहीं, कभी है कभी ये है कभी वो है। वेट लैब से मैंने कराया था, वेट लैब्स करके दिल्ली में, तो एक तरह
से तो उनके फ्रॉड ही था मेरे साथ जो किया इन लोगों ने, उसकी वजह से मेरा बच्चा भुगत रहा है अब 1 महीने तक। यार इसको इतना दर्द, मैं अभी मैं कैसे छोड़ूंगा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। 4-5 दिन इसके साथ जगा रहा है यार रात भर मैं, अभी 1 महीना और अगर ऐसा चलता रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मैक्स के लिए, कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे बहुत ही अच्छे, वो बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा टाइम दिया हमें, अच्छे से एक एक चीज़ समझाई क्या करना है कैसे करना है। एंड मतलब वो बोले कि प्रोस्टेट का साइज़ इतना सा होता है और जिसका सिस्ट वो इतना इतना बड़ा है, बाहर ही दिख रहा है अभी उसको, जब मैक्स उन्होंने शेव किया तो वो एक बल्ज दिख रहा था पेट के अंदर से पूरा। तो वेरी स्केरी गाइस। एंड इसका सबसे जो डरावनी बात ये है कि अगर ये सिस्ट फट गया या फैल गया तो इट कैन टर्न इन टू कैंसर। तो वो सोच के बस दिल थोड़ा मेरा वो हो रहा है, बैठ रहा है। डॉक्टर ने अपने नंबर वगैरह सब दिए हैं इनको, आई कैन गो टू कॉन्टैक्ट देम डेली और बता सकता हूँ मैक्स की मैं उनको प्रोग्रेस। पर वही है ना, पिथौरागढ़ में अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो मेरे फ्रेंड है डॉक्टर है तो उनके भी अल्ट्रासाउंड होता है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मैक्स का अल्ट्रासाउंड अगर हो जाए तो एटलीस्ट हर 10 दिन में इसका अल्ट्रासाउंड होता रहे तो पता रहेगा कि जो सिस्ट है उसका अभी जो हिसाब किताब है वो कितना रह गया, कम हो रहा है नहीं हो रहा है, यू नो। बाकी यार दिल बहुत भारी हो गया मेरा अभी, ये जो कैंसर वर्ड है ना दोस्तों बहुत डरावना है। एंड आई कैन नेवर इमेजिन यू नो माई सन गोइंग थ्रू इट, चाहे कुछ भी हो जाए यार ऑब्वियसली अभी तो अपने हाथ में सिचुएशन नहीं है। अभी हम होटल ही जा रहे हैं, वहीं रेस्ट करेगा मैक्स बिकॉज हम थोड़ा लेट हो गए, अब घर नहीं जा पाएंगे अभी। एंड अभी रेस्ट करके आज हमारा बहुत कुछ प्लान था यार, आज मतलब कि हल्द्वानी में बहुत सारे गुड बॉयज़ हैं, कुछ जो हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो करते हैं डॉग्स के लिए खाना वाना, उनके साथ जाएंगे बोल के। पर अभी ना दिल सा नहीं हो रहा कुछ भी करने का, तो अभी आज होटल जाके अभी वहीं पे आराम करेंगे। एंड कल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग विल लीव फॉर आर होम, तो मक्कू गोश्तों से मिलेगा, गोश्त मक्कू से मिलेगा, तो फिर दोनों खुश हो जाएंगे एकदम घर पे जाके। मैक्स के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल है, सुबह से तो बहुत परेशान हो गया बेचारा यार, कभी कोई इसका मुंह बांध रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। बाकी नीचे से इसको एकदम शेव भी कर दिया, वो वैसे ही इतना अजीब सा लग रहा है देखने में बेचारा। ये दोस्तों यार मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं, टफ टाइम्स हैं बट इससे निकल के हम यू नो टफ टाइम्स हमें लेसन्स टीच करते हैं लाइफ के, और उसे लड़के उसे जीतना इम्पॉर्टेंट है और वो हम करेंगे, वो करने जीतेंगे भी हम लोग। आप लोगों का साथ है, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है, सपोर्ट है आप लोगों का बहुत सारा। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही पंतनगर में इतने अच्छे से हमें देखा डॉक्टर्स ने, यू नो। अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो यू नो क्या पता है लोग भी अच्छे से ना देखते, क्या पता है यू नो। बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छे से यार, मतलब आई वॉज़ वेरी हैप्पी, इतने अच्छे से समझा रहे थे सब चीज़ें, वो इतना टाइम दिया उन लोगों ने, जबकि गवर्नमेंट में आपको पता है कितना रश रहता है इनके ऊपर। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग भी ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाया करो, ये जो प्राइवेट वेट्स हैं ऑल दो कुछ बहुत अच्छे होते हैं बट बहुत कम है, बहुत ही कम है, मैक्सिमम ऑफ देम आर रिपॉप्स, चोर हैं साले और कुछ नहीं, आपके इमोशन से खेलते हैं और कुछ नहीं। आप कुछ कह नहीं सकते हो, कुछ समझ नहीं सकते हो, भाई इंसान का बच्चा होता तो बोल सकता है, वो बोल सकता है मेरे को दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपका डॉगी क्या बोलेगा। और उसी के बेसिस पे लोग आपको लूटते हैं, ठीक है, आपको एक तरह से हरास करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। जो इलाज पिथौरागढ़ में जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं वो 50-100 रुपये में हो जाता है, दिल्ली में मैंने उसके 1000-1500 रुपये पे करे हुए ऑलरेडी, तो मुझे पता है किस हद तक शोषण किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को भी एक आप लोग एक चांस दीजिए। देखिए थोड़ी इनकन्वीनियंस होती है यहाँ पे, एयर कंडीशनिंग नहीं है, ये सब नहीं है, बट जो डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे एटलीस्ट दे आर क्वालिफाइड, नहीं तो ऐसे कोई गवर्नमेंट डॉक्टर तो नहीं बन जाता है, राइट। एंड अगर कोई डॉक्टर नहीं देखता अच्छे से तो प्लीज़ वो एक्सपोज भी करिए, बिकॉज यार हमारा राइट है ये। बाकी और तो भाई बोल नहीं पाऊँगा मैं, आपसे होटल पे मिलते हैं। सुबह में बहुत एक्चुअली इमोशनल था, बहुत परेशान भी था, तो मैंने कहा दोबारा से बनाता हूँ वीडियो। एक्चुअली मैक्स के जो प्रोस्टेट है मैक्स का, तो डॉक्टर ने बोला प्रोस्टेटिक सिस्ट ऐसे कोई नाम बोला था,
तो वहाँ पे सिस्ट है मैक्स को, और सिस्ट का जो साइज है बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा है। तो सिस्ट जो है ना इसके बाकी ऑर्गन्स को दबा रहा है, जो उसका ब्लैडर है वो बिल्कुल स्क्वीज हो चुका है, एंड उसी वजह से मैक्स को पॉटी शुरू करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर साहब कहना है कि ये सिस्ट जो है मे बी इसके जो रिटेन टेस्टिकल्स थे उनकी वजह से वो मे बी, एंड उनको भी निकालना बहुत ज़रूरी है, बट बिकॉज वो सिस्ट है वहाँ पे तो सर्जरी बहुत डेंजरस है और अभी वो सर्जरी कर नहीं सकते। वो सिस्ट विजिबल है ऐसे ही देखने में, आई कैन टच इट, मतलब मैं इसको जब टच कर रहा हूँ तो सॉरी बोलो सॉरी तो फील हो रहा है हाथ में, एंड बहुत ही मेरे लिए बहुत ही आई डोंट नो असमंजस वाली सिचुएशन है कि मैं क्या करूं। डॉक्टर ने बोला है दवाई दी है, डॉक्टर ने बोला है कि इससे शायद थोड़ा कम हो जाए, 100% गारंटी नहीं ले सकते बट हाँ कम होना चाहिए, एंड 1 महीने का टाइम बोला। और मैं बस ये सोच के परेशान हूँ कि यार 1 महीने तक मैक्स ऐसे कैसे रहेगा, आप देख लो कैसे सांस ले रहे हैं, मतलब आई कैन सी दैट ही इज़ इन पेन, एंड 3 दिन हो गए कुछ खा भी नहीं रहा, बड़ी बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती भी खिलाया कुछ सो दैट इसको दवाई भी खिला पाए। बस यही दोस्तों, अभी कल कुछ और डॉक्टर से भी करेंगे कंसल्ट ऑन फोन, एंड टुमारो वी प्लानिंग टू गो टू पिथौरागढ़, यहाँ रह के क्या करें, यहाँ पे रह के कुछ फ़ायदा हो रहा था तो रुकते भी। एंड अगर लगता है मैंने 5 दिन का टाइम लिया है, 5 दिन तक वो दवाई दूंगा जो डॉक्टर ने दी, और अगर मुझे लगता है आराम नहीं मिलेगा देन आई विल गो टू दिल्ली या सारा दुनिया में कहीं भी जाना पड़े मैं मैक्स को लेके वहाँ जाऊँगा, बिकॉज ऐसे इसको पेन में नहीं दे सकता यार, अब बर्थडे है इसका, साला दुनिया का सबसे गंदा बर्थडे हुआ भाई आज, बड़ी मुश्किल से लेटा है बेड पे, ना सो पा रहा है बेचारा। बस दोस्तों यार जल्दी से मक्कू ठीक हो जाए, इसको दर्द ना हो, एटलीस्ट परेशान हो रहा है इसको देख के, मतलब दिल मेरा बहुत बैठ रहा है। मैंने ना दोस्तों 3-4 साल पहले शिव जी का मंदिर बनाया था, शिव जी का, और कभी ना मंदिर में कुछ मांगा नहीं उनसे, बस ना अभी यही मांग रहा हूँ कि यार बाबा बस को बच्चे को ठीक कर दो यार, इतना अच्छा है यार, इसके लिए तो भगवान को करना ही चाहिए ना ठीक बाबू। बस दोस्तों इसको यही एंड करते हैं, कल आपको अच्छा अच्छा दिखाएंगे कुछ, कल आपको गोस्तों से मक्कू मिलेगा तो खेलेगा तो आपको देखना, आपको भी अच्छा लगेगा, बहुत सैड वीडियो आए हुई, बड़ा मैं सच में बहुत परेशान हो गया हूँ, बस प्रॉब्लम बढ़े ना कम हो जाए बस यही चाहिए। बस दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, बस ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।